चुनावी सरगर्मी है तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी कि नेताजी फिट हैं तभी तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं और फिट रहने के लिए क्या क्या करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे गाजीपुर के जमानिया विधानसभा सीट से विधायक सुनीता सिंह का फिट रहने का फॉर्मूला। करने के लिए ठान लेता है तो वैसे ही फिट रहता है, लेकिन ये दैनिक दिनचर्या में आदमी को कुछ नियम कानून से चलना होता है। तो सुबह उठ के योगा, हम योगा टीचर भी रहे हैं तो योगा कर लेते हैं। ठीक, कोई ऐसा समय का नहीं, वैसे 45 मिनट में बढ़िया योगा हो जाएगा। योगा उसके साथ मतलब श्वासन क्रिया के साथ योगा हो जाता है, 45 मिनट में आदमी एकदम फिट हो जाएगा। 45 मिनट में अगर चलने वाला छोड़ दें तो, अगर वॉकिंग करने के लिए रखें तो उसके लिए अलग से समय हम लोग रखते हैं। जब अंधेरा रहता है तो वॉकिंग कर लेते हैं यहीं अपने बाउंड्री में ही, और आधा घंटा से 45 मिनट जैसा समय है। अब सुबह समय थोड़ा कम रहा तो आधा घंटा, लेकिन आधा घंटा भी अगर कर ले आदमी रेगुलर तो फिट है। भोजन लेना बहुत अति आवश्यक है, फ्रूट ले लिए, मूंग चना ले लिए, और उसके बाद रास्ते के लिए थोड़ा सा कुछ ले लेता है आदमी, जूस फल की। कहीं रास्ते में देर हो गई, रात को 9-10 बज जाते हैं या समय चुनावी कार्यक्रम है, तो वही आदमी डाइट ले लेता है। और दिनचर्या रोज का रेगुलर का खाना जो होता है वो खाना ही लेते हैं हम लोग, लेकिन रात को मैं एक विशेष चीज़ लेती हूँ, हल्दी दूध, क्योंकि मेरे यहाँ जैविक हल्दी है और उसी हल्दी के गांठ को अदरक की तरह कूट के दूध में बॉयल करके, मेरे पास गैया ही है तो दूध जरूर लेते हैं, हल्दी दूध, तो उससे काफ़ी राहत है। आज किस पॉलिटिकल पार्टी के कौन से लीडर कहां जनसभा कर रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो नेताजी रैलियां, रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा, प्रतिज्ञा यात्रा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इन यात्राओं को निकाल रही हैं, जनता के साथ इंटरेक्शन बढ़ा रही हैं। तो अब मेरी सहयोगी जया हमें बताएंगी कि आखिर आज कहां किस नेता की रैली या जनसभा होने जा रही है। जी जया जी, आस्था बताया आपको कि आज तीन बेहद अहम दौरे हैं, इसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ आज पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब मऊ से वो आजमगढ़ पहुंचेंगे और आज और कल अखिलेश यादव आजमगढ़ में ही होंगे। यहाँ वो सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर को सहदा में मौजूद इंटर कॉलेज में 100 मेधावी छात्रों को वो लैपटॉप भी वितरित करेंगे। चुनावी एजेंडे के तहत इसे बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरे दौरे की बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है, जो कि बेहद अहम दौरा है, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के सलोन ब्लॉक पहुंचने वाली हैं। आपको बताएं कि सलोन ब्लॉक रायबरेली जिले में आता है और यहां पर 12 बजे वो पहुंचने वाली हैं, जहां पर सबसे पहले ग्राम सभा के लोगों से मुलाकात करेंगी, उनसे उनकी समस्याएं समझेंगी। 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक धरई ग्राम सभा में लोगों को संबोधित करेंगी। 3 से 4 बजे तक सरकारी बैंकों की ओर से आयोजित शिक्षा कार्यक्रम में पहुंचेंगी, जहां पर कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगी और इसके बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगी। जो तीसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है आज, वो भी बेहद अहम है, यूपी के प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का आज जालौन में रहने का कार्यक्रम है। बताएं आपको कि जितिन प्रसाद आज जालौन पहुंचेंगे शाम 6 बजे। बताया जा रहा है कि मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कोंच पहुंचने का उनका कार्यक्रम है, जहां पर वो प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और यहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भी बैठेंगे और उनके साथ समस्याओं को लेकर, परियोजनाओं के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये 3 बेहद अहम दौरे आज हैं, जिस पर दिन भर एबीपी गंगा की नजर होगी। आस्था,